जब मैं अपने 20s में था तो मेरा एक दोस्त था विकी, जो कि कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और साथ साथ डोमिनोज में जॉब कर रहा था। जब वो जॉब के बाद घर आता था तो उसके पास टाइम तो होता था, लेकिन तब भी वो तैयारी नहीं करता था, वो पढ़ाई नहीं करता था। एस्पिरेशनल था, गोल्स थे, सपने थे, जिंदगी में कुछ करना चाहता था, लेकिन फिर भी पढ़ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी दोस्ती एक और दोस्त से हो गई जो उसको ब्रेन वॉश करता रहता था, जो उसको कहता रहता था छोड़ना अभी बहुत टाइम है, छोड़ क्या करेगा पढ़ के, अरे जिंदगी में और चीजें भी तो करनी है। मैं और बाकी दोस्त उसको समझाते थे कि उसके चक्कर में मत पड़, वो दोस्त के रूप में दुश्मन है, वो तेरा ब्रेन वॉश कर रहा है, वो तेरा नुकसान कर रहा है, लेकिन नहीं, उसने हमारी नहीं सुनी। अब करते करते एग्जाम जो है वो पास आ गया, लेकिन विक्की की कोई तैयारी नहीं, और क्योंकि कोई तैयारी नहीं है तो रिजल्ट भी उसके फेवर में नहीं है, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। उम्र भी निकल गई, जिम्मेदारियां भी आ गई, अब उसने कहीं जॉब कर ली, लेकिन जॉब में भी वही हाल था, टाइम पे चीजें हो नहीं रही थी, टाइम जा रहा था इधर उधर, टाइम जा रहा था फोन में, टाइम जा रहा था उठने सोने में। एक दोस्त की दोस्ती ने उसका इतना नुकसान किया कि धीरे धीरे जिंदगी में वो हर चीज खोता गया, और जब तक उसको ये बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब विक्की ने कभी अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को एक्सप्लोर ही नहीं किया, अपने रिलेशंस की तरफ, अपने करियर की तरफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे पाया, क्योंकि एक दोस्त के रूप में दुश्मन ने उसका इतना नुकसान कर दिया। और जब तक उसको ये रियलाइज हुआ तब तक उसके पास सिर्फ अफसोस बचा था। जानते उसका ये जिगरी दोस्त कौन है? कौन है वो दोस्त? वो है उसका आलसपन, उसकी लेजीनेस। और यही है वो जिसको हम सब अपना दोस्त मानते हैं, क्योंकि इसको गले लगाकर ना आराम मिलता है, सुकून मिलता है, कंफर्ट मिलती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि टेम्परेरी कंफर्ट के चक्कर में हम अपनी लाइफ का, अपने पोटेंशियल का, अपनी जिंदगी का, अपने करियर का, अपने रिलेशन का परमानेंट नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए आज आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आज आप इस आलस नाम के दोस्त को जिंदगी से निकालने वाले हो, इसको परमानेंटली बाय बाय कहने वाले हो। आपकी जिंदगी में अफसोस नहीं होगा, अचीवमेंट्स होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं एक फॉर्मूला, 3 पॉइंट्स का फॉर्मूला, जिससे आप अपनी जिंदगी से आलस को परमानेंटली निकाल दोगे। कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि मेरे अंदर आलस क्यों है? जितना भी है, थोड़ा है, ज्यादा है, लेकिन मेरे अंदर आलस क्यों है? कभी पूछा ही नहीं होता, कभी खुद से यह सवाल किया ही नहीं होता। अभी खुद से करके देखो, कुछ सेकंड्स लो और खुद से पूछो कि मेरे अंदर आलस क्यों है। सॉल्यूशन पे जाने से पहले रीजन को समझना जरूरी है, जड़ को समझना जरूरी है। मैं आपको बताता हूं हमारे अंदर आलस क्यों होता है। देखो, सुनाने को 10 15 20 रीजन सुना सकता हूं, लेकिन 3 मेन कारण है। इनमें से कोई एक कारण रिलेट कर पाओगे आप कि आपके अंदर आलस क्यों है। तो क्या है वो 3 कारण जिसकी वजह से हम आलसी होते हैं? जब शरीर और दिमाग ही जाएगा थक तो कैसे साथ देगा लक? पहला कारण है फटीग, मतलब थकावट। मेजॉरिटी लोगों के अंदर आलस इसलिए होता है क्योंकि उनकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी उनका साथ नहीं देती। पता है उठना है, उठ के ये करना है, लेकिन आलस आ रहा है, फिजिकल एनर्जी। पता है मेरे को उठ के पढ़ना है, ये पढ़ाई करनी जरूरी है, लेकिन मन नहीं कर रहा, मेंटल एनर्जी। जब किसी चीज को करने में होती है घबराहट, जब किसी चीज को करने में होती है घबराहट, तो उसको ना करने पे मिलती है राहत। सेकंड पॉइंट है नेगेटिव इमोशंस, जैसे कि उदासी या घबराहट। अगर हमें किसी चीज को करने में घबराहट होती है तो हम कोशिश करते हैं वो ना ही करें, उसमें हम आलस करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेज पे चढ़ के बोलना है, लेकिन ये थॉट ही आपको एंग्जाइटी देना शुरू कर देता है, प्रेशर देना शुरू कर देता है, आपको नर्वस करना शुरू कर देता है कि अगर मैं स्टेज पे चढ़ा, अगर मैं फ्रीज हो गया, अगर मैं कुछ बोला ना गया, अगर मेरी टांगे ज्यादा कांपी, अगर मेरा मजाक उड़ा, लोग हंसे, मेरे नाम का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरे दोस्त रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, छोड़ो, रहने दो। तो उस घबराहट ने आलस क्रिएट कर दिया। ऐसे एक और नेगेटिव इमोशन है उदासी। जब मन ही होगा परेशान तो बन जाओगे आलस की दुकान, उदास मन में कुछ करने का मन नहीं करता। जब हम सैड होते हैं, परेशान होते हैं, उदास होते हैं, तो हम चीजों को अवॉइड करते हैं। और तीसरा कारण पता है क्या है? नेगेटिव एडॉप्शन। कुछ लोग इस थॉट को एडॉप्ट कर लेते हैं, इस थॉट को मान के बैठे रहते हैं कि मैं आलसी हूं। और जब आप ये मान लोगे कि मैं आलसी हूं, तो आपका आलस घटेगा या बढ़ेगा? आलस बढ़ जाता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क नजर आया, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नजर आई, छोड़ो यार, इतनी मेहनत कौन करेगा, छोड़ो यार, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं तो आलसी हूं। वो कहते हैं ना कि जिस दर्द का मर्ज ना मिले, उस दर्द के साथ जीने की आदत हो जाती है। तो आलस का सोल्यूशन ढूंढने की जगह हम ये मान के कि मैं आलसी हूं, उसके साथ जीने की आदत
डाल लेते। तो अब बारी आ गई उस सुपर फॉर्मूला की जिसके साथ आप अपने आलसपन को भगा पाओगे। उस फॉर्मूला का नाम है BIM, BIM, BIM। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा सुपर फॉर्मूला जो आपके आलसपन को जड़ से उखाड़ देगा, जिससे आप इस आलसपन के दोस्त को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दोगे। तो BIM को समझते हैं। BIM का जो बी है वो है बिलीफ। अब ध्यान से समझना इस बात को कि आपकी इमोशंस, आपकी इमेजिनेशन और आपके एक्शंस तीनों फॉलो करते हैं आपके बिलीफ को। आपकी इमोशंस, आपकी इमेजिनेशन और आपके एक्शंस तीनों फॉलो करते हैं आपके बिलीफ को। जैसे आपका विश्वास होता है, जैसे आपका विश्वास होता है वैसे आपके थॉट्स होते हैं, और आपके थॉट्स की वजह से आपके इमोशंस, आपकी इमेजिनेशन और आपके एक्शंस होते हैं। एक स्पोर्ट्स कोच की एग्जांपल लेते हैं। एक स्पोर्ट्स कोच अपनी टीम के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है उनके बिलीफ को बनाने में कि हम ये चैंपियनशिप जीत सकते हैं, हम ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं। क्या जरूरत है उसको, क्या जरूरत है? प्लेयर्स हैं, खेलना है, रोज प्रैक्टिस कराए और प्रैक्टिस कराए, खूब प्रैक्टिस कराए, नहीं। उसको पता है कि फिजिकल प्रेपरेशन के साथ मेंटल प्रेपरेशन भी बहुत जरूरी है, फिजिकल प्रेपरेशन के साथ मेंटल प्रेपरेशन बहुत जरूरी है, बिलीफ बहुत जरूरी है। अगर प्लेयर्स ये सोच के ग्राउंड में जाएं कि सामने वाली टीम तो बहुत स्ट्रांग है, सामने वाली टीम तो बहुत तेज है, उनको हराना इम्पॉसिबल है, तो वो टीम हारेगी ही हारेगी। इसीलिए कोचेज विनर माइंडसेट क्रिएट करते हैं, बिलीफ के ऊपर काम करते हैं कि उनके प्लेयर्स उठें तो विनर की तरह उठें। उस बिलीफ के साथ उठेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे, खुद को ट्रेन भी करेंगे। उस बिलीफ के साथ उठेंगे तो जंक छोड़ के अच्छा खाएंगे, जो उनकी बॉडी के लिए ठीक है वो खाएंगे। बिलीफ होगा तो ग्राउंड पे जाएंगे, विनर की तरह जाएंगे, अचीवर की तरह जाएंगे, ये सोच के जाएंगे कि हमें जीतना है, हमारे अंदर भी काबिलियत है। इस बिलीफ की वजह से विनिंग के चांसेस कई गुना बूस्ट कर जाते हैं। इसी तरह से आपको अपने बिलीफ को चेंज करना होगा, अपना कोच बन के अपने बिलीफ के ऊपर काम करना होगा। जब भी माइंड में ऐसी चीजें हैं, छोड़ो यार ये बहुत मुश्किल है, कल कर लूंगा, छोड़ो अभी नहीं होगा, अभी नींद पूरी कर लेता हूं, अपने आप को जब कारण देते हो कि ये काम अभी नहीं कर सकता, बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा, उसी वक्त अपने बिलीफ पे काम करो कि ये एक सोच ही तो है। सोच के देखो कि ये सिर्फ एक सोच है कि मुझे ये नहीं करना, मैं इसलिए नहीं कर सकता, अपने आप को कुछ कारण कुछ बहाने दे रहे हैं। उसी वक्त उस सोच को बदल के देखो, सोच को बदल के सोचो कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, मैं अभी क्यों कर सकता हूं, एक विनर कैसे इसको ट्रीट करेगा, एक अचीवर क्या करेगा, जो मैं बनना चाहता हूं, जहां मैं फ्यूचर में खुद को देख रहा हूं, क्या वो इंसान इस टाइम पे ये काम करेगा या इसमें आलस करेगा। इस बिलीफ को जब आप बदलोगे तो क्या बदलेगा, आपके थॉट्स बदलेंगे, मतलब आपकी इमेजिनेशन, आपके एक्शन, आपके इमोशन बदलेंगे। बिलीफ बदला, इमेजिनेशन, एक्शन और इमोशन बदले, और जब ये बदले तो आपके रिजल्ट बदलते ही बदलते हैं। तो BIM का बी हमें क्लियर है, बिलीफ। अब रह गया आई और एम। आई की बात करते हैं। कैनेडा के एक फेमस पर्सनालिटी है इवान कारमाइकल, जो एक अर्ली एज एंटरप्रेन्योर है, ऑथर है, ग्लोबल स्पीकर है, इन्वेस्टर है। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपके साथ शेयर करनी चाहता हूं। उनका कहना है कि असल में ना हम आलसी नहीं होते, असल में हम आलसी नहीं होते, लेकिन हमारे गोल्स ऐसे नहीं होते, हमारे इंटरेस्ट ऐसे नहीं होते जो हमें इंस्पायर कर सके। एक एग्जांपल देता हूं कि आप अगर कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, फोन में कुछ खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो उसमें कितने लेवल्स है गेम के, क्या क्या कर रहे हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं पता नहीं चलता, क्रिकेट धूप में भी खेल रहे, एग्जर्शन भी हो रही है, लेकिन मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हो और खेलते जाते हैं। लेकिन पढ़ाई के टाइम पे कई बार 30 मिनट्स की पढ़ाई भी टास्क लगती है। मूवी देखनी हो तो क्यूरियोसिटी होती है, एंजॉयमेंट होती है, मजा आता है, मूवी देखने जाना है, मूवी देखेंगे, लेकिन ऑफिस के काम में कई बार नींद आ रही होती है। फर्क देख रहे हो, हमें लगता है हम आलसी हैं, हम आलसी हैं या फिर हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अब आपके माइंड में ना यहां पे नेचुरल सा सवाल चल रहा होगा कि हिमीश भाई मूवी देखने में मजा आता है, खेलने में मजा आता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें मजा नहीं आता, इसलिए आलस आता है। आई अग्री बट आई हैव अ सॉल्यूशन। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो जरूरी है लेकिन हम उसको एंजॉय नहीं करते, ऐसे बहुत से काम है जो हमें पता है हमारे लिए जरूरी है लेकिन हमें उसमें मजा नहीं आता। ऐसे में हमें यह सीखना होगा कि उन कामों में इंटरेस्ट कैसे जनरेट करना है, क्योंकि हमें यह पता है अगर इंटरेस्ट जनरेट हो गया तो हमें आलस नहीं आएगा। एग्जाम्पल देता हूं कि पढ़ाई है, करने में आलस आ रहा है, तो पढ़ाई को गेमिफाई कर सकते हैं। हमें गेम्स खेलना अच्छा लगता है तो पढ़ाई को लेवल्स में बांट सकते हैं, लेवल 1 लेवल 2, इतने मिनट पढ़ा, एक लेवल क्लियर हुआ, इतने चैप्टर पढ़ा, दूसरा लेवल क्लियर हुआ, और रिवॉर्ड्स रख सकते हैं। जब ये लेवल क्लियर होगा अपने आपको ये रिवॉर्ड दूंगा, जब ये लेवल क्लियर होगा रिवॉर्ड दूंगा, जो कि गेम्स में होता है। जो एक टिप और दे रहा हूं जो मैं फॉलो करता हूं,
मैंने हमेशा किया, जब भी कोई काम मुझे करना पसंद नहीं है तो मैं सोचता हूं इसका फ्यूचर रिटर्न क्या है, इससे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई कर रहे हैं मार्क्स के लिए नहीं, पोजीशन के लिए नहीं, इससे मेरा करियर बिल्ड होगा, इससे मैं आने वाले टाइम में अपने ड्रीम्स पूरे कर पाऊंगा, मेरी इनकम इससे लिंक होगी, मैं पैसा कमा पाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पाऊंगा, मैं जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट खुदारी के साथ रह पाऊंगा, प्राउड फील कर पाऊंगा, इसलिए चैप्टर कंप्लीट करने जरूरी है। तो आप अपना इंटरेस्ट जनरेट करो फ्यूचर के साथ, रिवॉर्ड्स के साथ या गेम्स के साथ। याद रखना कि जब कोई काम मजबूरी से नहीं मजबूती से होता है ना, तो आलस नहीं आता, रिजल्ट्स आते हैं। मजबूरी से नहीं मजबूती से करो। तो बिम में हमें क्लियर है, बी है बिलीफ, आई है इंटरेस्ट, और अब आ गई एम की बारी। एम को समझने के लिए एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। रोहन एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, फादर की अच्छी खासी जॉब है, और प्रॉब्लम यह है कि उसके दोस्तों को उससे कई ज्यादा पॉकेट मनी मिलती थी और टाइम टू टाइम बढ़ती रहती थी, पर रोहन बेचारे की पॉकेट मनी 3 साल से सेम ही थी, और इस बात से वो बड़ा परेशान रहता था, निराश रहता था। अब क्योंकि पापा का डर है तो पापा के पास ना जाकर रोहन अपनी समस्या लेकर पहुंच जाता है अपनी मम्मी के पास, समस्या बताता और पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो पापा मेरी पॉकेट मनी नहीं बढ़ा रहे, मेरे सारे दोस्तों की बढ़ गई बस मेरी नहीं बढ़ती। अब मम्मी कहती है कि बेटा इसका आंसर तो तेरे पापा ही दे सकते हैं, चल मैं तेरी उनसे बात करवाती हूँ। अब पापा के सामने बात रखी जाती है, पापा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि बेटा जिस दिन तू इसे संभालना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दूंगा। इतना कहकर पापा वहां से उठ जाते हैं। अब रोहन बेचारा बार बार सोच के परेशान कि आखिर पापा कहना क्या चाहते हैं, पॉकेट मनी को सही से संभालना इसका मतलब क्या है, क्या मेरी जेब छोटी है या मैं ज्यादा पैसे का वजन नहीं उठा सकता, इस तरह के कई सवाल बेचारे के दिमाग में आते रहते हैं। अब कुछ दिन बाद रोहन स्कूल जाने वक्त बैग में किताबें रख रहा होता है, तो जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा किताबों को बैग में भर रहा होता है, और कुछ जरूरी किताबें और रखनी है पर जगह नहीं बच रही होती। उसकी मम्मी ये देख रही होती है, वो रोहन के पास आती है और बैग से किताबों को निकालकर उनको सही तरीके से लगाती है और किताबों की जगह बन जाती है, और प्यार से रोहन की मम्मी बोलती है कि बेटा मान लो कि ये जो तुम्हारी किताबें हैं वो तुम्हारी पॉकेट मनी की तरह है, और तुम स्कूल बैग की तरह जितना सही तरह से सही जगह से अपनी किताबों को लगाओगे उतनी और ज्यादा किताबें तुम अपने बैग में रख पाओगे। रोहन बात को रिलेट कर पाता है, समझ जाता है कि पापा मेरी पॉकेट मनी क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि मैं अपनी पॉकेट मनी को सही से और सही जगह खर्च नहीं कर रहा। अगर मैं अपनी पॉकेट मनी को सही से स्पेंड करना सीख लूं, सही से सेव करना सीख लूं, तो मेरी पॉकेट मनी बढ़ जाएगी। अब रोहन ने अपनी पॉकेट मनी को सही जगह खर्च करने का डिसीजन लिया, उसने समझा कि कंफर्ट के हिसाब से नहीं जरूरत के हिसाब से खर्च करना, और कुछ पैसा सेव भी करना है। डायरी पर लिखना शुरू कर दिया क्या कहां खर्चा कितना सेव किया। अब अगले महीने जब पॉकेट मनी मिलने का टाइम आता है तो रोहन की खुशी अलग लेवल पे होती है, उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है। पापा के पास जाता है, कहता है पापा देखो अब मैं पॉकेट मनी संभालना सीख गया, ये मैंने खर्च किया, ये मैंने सेव किया। अब पापा भी खुश, और जैसे उन्होंने बोला था रोहन की पॉकेट मनी बढ़ा देते हैं और उससे वादा करते हैं कि अगर तुम अपनी पॉकेट मनी को मैनेज करते रहोगे तो टाइम टू टाइम मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ाता रहूंगा। तो रोहन अब ये बात समझ चुका है कि अगर हम किसी चीज को मैनेज करना सीख लेते हैं, अगर हम किसी चीज को मैनेज करना सीख लेते हैं तो वो टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। हमारे बिम का एम मैनेजमेंट। सिंपल सा फंडा है कि जितनी लाइफ में मैनेजमेंट ज्यादा उतना आलस कम, और जितनी मैनेजमेंट कम उतना आलस ज्यादा। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत कुछ है, काम भी करना है, कुछ रिजल्ट्स भी अचीव करने हैं, कुछ टारगेट्स भी है, कुछ गोल्स भी हैं, रिलेशंस को भी टाइम देना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, पेरेंट्स भी हैं, एंजॉय भी तो करना है, एकलौती जिंदगी है, पूरी तरह से जीना भी तो है, तो क्या करें, कैसे मैनेज करें। और जब इतना कुछ मिसमैनेज्ड होता है, समझ नहीं आता क्या पकड़े क्या छोड़े, मन मचलता रहता है, तो आलस क्रिएट होता जाता है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, हर चीज में आलस आ रहा है। लेकिन जिंदगी में जहां जहां कुछ बिखरा है अगर हम उसको मैनेज करते जाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी, हमारे एक्शंस, हमारे रिजल्ट्स बदलते जाएंगे। एक एग्जांपल लेता हूं कि जब रूम ऑर्गेनाइज्ड होता है, मैनेज्ड होता है, अपनी अलमेरा, अपनी स्टडी टेबल मैनेज्ड होता है, तो फिर आलस कम होता है, तब एफिशिएंसी ज्यादा होती है। टाइम जब मैनेज होता है, पता होता है कब क्या करना है, पहले से प्लान्ड होता है, तो दिमाग की एनर्जी कम लगती है, आप चीजें करते जाते हो। माइंड जब मैनेज्ड होता है, जब स्ट्रेस नहीं होता, हम भटकते नहीं रहते, कंफ्यूज नहीं रहते, हमारा माइंड मैनेज है, हमारी इमोशंस क्लियर हैं, तो एंग्जाइटी नहीं होती, घबराहट नहीं होती, हम एक्शंस लेते जाते हैं। अब ये सब करना कैसे, मैं क्या करता हूं, मैं आपको जरूर टिप देना चाहता हूं। मैं हर वीकेंड सैटरडे या संडे कोशिश करता हूं
कि 1 से 1.5 घंटा जरूर निकालूं, खुद के साथ बैठूं, देखूं कौन से एरिया ऑफ लाइफ सही चल रहा है, मैनेज्ड है, जहां प्रॉब्लम नहीं है, जहां एक्शन हो रहा है, और कौन सी चीजें हैं जो मैनेज्ड नहीं है, जो मिसमैनेज्ड है, उनको कैसे ठीक करना है। आने वाले हफ्ते में मेरे टाइम का क्या प्लान है, अगर कुछ रूम में सेट करने वाला है, अलमीरा में सेट करने वाला है, कोई डॉक्यूमेंट सेट करने वाले हैं, या अपने माइंड को सेट करने वाला है, कुछ खुद से बात करने वाली है, तो 1.5 घंटा हफ्ते में निकाल के आप अपने आने वाले पूरे टाइम को मैनेज कर पाते हो। कभी कोई चीज बिखरेगी, कभी कोई चीज बिखरेगी, लेकिन हर हफ्ते खुद के साथ चेक करोगे तो चीजें वापस सिमटती जाएंगी, सुधरती जाएंगी। तो दोस्तों लास्ट में ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में 2 कैटेगरीज के लोग होते हैं, एक होते हैं करो कैटेगरी और एक होते हैं छोड़ो कैटेगरी। करो कैटेगरी जो एक्शन लेते रहते हैं और छोड़ो कैटेगरी जो टालते जाते हैं। जो भी अचीवर्स हैं, जो भी परफॉर्मर्स हैं, जिन लोगों को आप आइडियलाइज करते हो, जिनसे इंस्पायर होते हो, वो कौन सी कैटेगरी में, करो कैटेगरी में या छोड़ो कैटेगरी में, तो ये डिसीजन आपको भी अभी लेना होगा। क्या आपको आलस रखना है और छोड़ो कैटेगरी में रहना है, या आपको आज से BIM को फॉलो करके करो कैटेगरी में रहना है। कौन सी कैटेगरी चूज करने वाले हो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इस बिलीफ, इंटरेस्ट और मैनेजमेंट के सुपर फॉर्मूला को याद रखना, इसको अंदर तक बसा लेना, जरूरत पड़े वीडियो दोबारा देखो, BIM वाला पार्ट 2 बार 3 बार 5 बार देखो, लेकिन पूरी तरह से इसको अपने अंदर बसा लो। मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूंगा, आपके सफर में साथ निभाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।